गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हम द ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि नामक लेसन देख रहे थे और श्रद्धांजलि में यहाँ तक हो गया था कि बाबुली अपने गांव पहुँच चुका है और जैसे ही वो शाम को बस से वहाँ उतरता है तो क्योंकि गांव बस स्टैंड से थोड़ा दूर है, थोड़ा हटके है, तो वहाँ उसका भाई उसको मिलता है और आते ही सबसे पहले उसका भाई बाबुली से उस सूटकेस को यानी ब्रीफकेस को ले लेता है। बोलता है काफ़ी भारी है, तुम थक गए होंगे। और इसके साथ ही बाबुली कह रहा है, वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड डस्टी एंड एवर द सेम, वो धूल भरा टूटा फूटा वही रास्ता गांव का, हम उस पर चल रहे थे। बाबुली को पुरानी बातें याद आती हैं और वो कहता है, I was usually साधारणतः प्राय, I was crossing कि प्राय मैं पार करता था the street उस गली को along अकेले, to go to a teacher मैं एक अध्यापक के पास जाता था। मतलब जिस रोड पे वो चल रहे हैं वो कह रहा है कि मैं उसको अकेले पार करता था, पढ़ने के लिए जाता था। कब? In the evening for tuition, और शाम को वो पढ़ने के लिए जाता, तो वो कह रहा है कि मैं अकेला ही गली पार करके एक अध्यापक के पास जाता था। इट वो जनरली लेट, और वो ये भी कह रहा है कि सामान्यतः, जनरली का अर्थ है सामान्यतः, देरी हो जाती थी एंड डार्क और अंधेरा भी हो जाता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज़, और जब मैं वापस आता था पढ़ने के बाद तो कई बार ऐसा रहता था कि मुझे देरी हो जाती थी। अनफॉलिंगली का अर्थ होता है नियमित रूप से। देखिए रेगुलर आप कर सकते हैं कि नियमित रूप से, ऐसा कभी हुआ नहीं, बिना चूके लगातार, माई एल्डर ब्रदर मेरा बड़ा भाई वुड बी देयर वहाँ होता था टू एस्कोर्ट मी। देखिए एस्कोर्ट करते सहारा देना, कि मुझे सहारा देने के लिए मेरा भाई वहाँ रहता था। बैक होम टेस्ट आई शुड बी फ्राइटेंट, वो कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा भाई वहाँ ना मिले। वो कह रहा है कि मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए वहाँ मिलते थे ताकि मैं क्या ना करूँ, आई शुड बी फ्राइटेंट कि कहीं मैं डर ना जाऊँ, इसलिए मेरा भाई जो है वो वहाँ खड़ा रहता था कि कहीं भी किसी भी पल मुझे डर ना लगे, इसलिए मेरा भाई वहाँ रहता था। ही वुड कैरी द लालटेन माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, कह रहा है कि मेरा भाई किस किस चीज़ को लेता, कैरी करता लेना, लालटेन को और मेरी किताबों और नोट्स से भरा जो बैग है उसको मेरा भाई उठाता। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, कि मुझे बस इतना करना था कि मुझे उनको फॉलो करना था, फॉलो करते पीछे पीछे चलना, मुझे कुछ नहीं करना होता था, मैं सिर्फ अपने भाई के पीछे पीछे चलता, जैसे आज चल रहा है वो। इसलिए पुरानी बात याद आ गई, इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड का अर्थ होता है पिछड़ना, बिहाइंड का अर्थ है पीछे, ही वुड आस्क, और यदि मान लो मैं चलते चलते पीछे रह गया, ऐसा होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो उस गति से नहीं चल पाएंगे, उस पेस से नहीं चल पाते जितना बड़े चलते हैं, तो ही वुड आस्क, तो वो पूछते, वाई क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, कि शायद तुम थक गए हो, कम आओ। जबकि बड़ा भाई पूरे दिन खेत में काम करता था लेकिन छोटे भाई को बोल रहा है कि शायद तुम थक गए हो, कम आओ, होल्ड माई हैंड मेरा हाथ पकड़ लो, एंड वॉक विद मी और मेरे साथ चलो। मतलब उसको मेरा भाई जो है वो बबुली कह रहा है कि मुझे अपना हाथ थमा देता है, यानी उंगली आप कह सकते हैं। ही समटाइम्स, और कई बार तो, यूज टू कैरी मी ऑन ही शोल्डर, देखिए क्या भाई है, शानदार है, वो बोल रहा है कई बार मुझे अपने कंधों पर लेके जाते, वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर ए स्ट्रोल, कब लेके जाते, जब हम खेतों में स्ट्रोल करने जाते। स्ट्रोल का अर्थ होता है चहलकदमी करना, चहल कदमी करना। और एक और बात आप सुन ले ध्यान से, आप सुबह जो घूम के आते हैं
उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग वॉक। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग वॉक। और कई बार डॉक्टर आपको ऐसी एडवाइस देता है कि शाम को खाना खाने के बाद आपको घूमना चाहिए ताकि आपकी पाचन क्रिया अच्छी हो सके, और उसको बोलते हैं स्ट्रोलिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रोलिंग। यानी उसको इवनिंग वॉक नहीं कहते, ये सुबह वाला ही होता है केवल मॉर्निंग वॉक। जो शाम को आप घूम के आते हैं, चहलकदमी करते हैं, उसको स्ट्रोलिंग बोलते हैं। स्ट्रोल शब्द से ही बना है, थोड़ा दिमाग में रहे। उसके आगे देखते हैं हम, द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। जैसा मैंने ये पहले ही बता दिया था आपको कि जो बस स्टॉप है वो गांव से थोड़ा, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था कि बस स्टॉप जो है वो विलेज यानी गांव से थोड़ी दूरी पे था। ऐसा रहता है, हम भी जानते हैं कि जो मेन हाईवे है वहाँ बस स्टॉप होता है, गांव अंदर होते हैं। वो कह रहा है आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं पीछे रह गया। आज भी वर्तमान में भी वो क्या हुआ, वो बाबुली अपने भाई से पीछे रह गया। हे स्टॉप्ड, बोल रहा है मेरा बड़ा भाई रुका। एंड आस्क्ड, पूछा। द सेम ओल्ड क्वेश्चन, वही पुराना वाला प्रश्न कि क्या हुआ साहिब, तुम थक गए हो। ही यूज टू आस्क, यूज टू पास्ट की हैबिट दिखाता है। प्राय जो वो प्रश्न पूछते थे वही पूछा। आई जस्ट कुडंट स्पीक, वो बोल रहा है कि वही प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा लेकिन मैं बोल नहीं सका, बिल्कुल बोल नहीं सकता था, आवाज़ ही नहीं निकली। द पास्ट यानी अतीत वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी, बोल रहा है कि अतीत जो है वो स्प्राउटेड हो रहा था। स्प्राउटेड का अर्थ होता है अंकुरित होना, ऊपर लिख रहा हूँ जी, पैदा होना, उत्पन्न होना, कि मेरे सामने अतीत आके खड़ा हो गया था। द चाइल्डहुड डेज, बचपन के दिन, वो कह रहा है कि मेरे सामने अतीत खड़ा हो गया, बचपन के दिन। द डेज नाउ, कि बचपन के दिन और अब, मतलब वर्तमान के जो दिन हैं वो दोनों उनके सामने हैं। टाइम हैज़, समय जो है उसने क्या कर दिया, कोग्यूएटेड कर दिया फॉर मी, कि समय मेरे लिए कोग्यूएटेड हो गया। कोग्यूएटेड करता ठहर जाना, ठहर जाना, मानो एक समय कि मुझे ऐसा लगा कि समय मेरे लिए क्या हो गया है, ठहर गया, रुक सा गया है, कोग्यूएटेड हो गया। आई हैव चेंज्ड, और तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं बदल गया हूँ। बट माई एल्डर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क है, क्या मेरा बड़ा भाई बदला, क्या लगता है आपको बदल गया? कहानी तो ये कह रही है नहीं बदला। टाइम कुडंट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, बाबुली साफ शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि समय उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं कर पाया, यानी भाई अब भी निस्वार्थ सेवा में लगा है। एज इन दोज डेज, जैसा कि उन दिनों में था। ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आज भी मेरा भाई आगे आगे चल रहा है, कैरिंग उसने ले रखा है माई बैग, जो बैग वगैरह है वो। आई फेल्ट सो स्मॉल, मैं अपने आप को बहुत ही तुच्छ महसूस कर रहा था, यानी अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था, कि भाई का दिल देखो, भाई की उदारता देखो। उसके आगे कह रहा है हेजिटेटिंगली आई सेड, हेजिटेटिंग करता है हिचकिचाते हुए, और एक बार हिम्मत करके हिचकिचाते हुए क्या कहा, मैंने कहा, बाबुल कह रहा है मैंने कहा, ब्रदर भाई गिव मी डैट ब्रीफ केस, कि मुझे वो सूटकेस दे दो, लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, थोड़ी दूर मैं भी ले चलता हूँ। तो उसका भाई देखिए क्या कहता है, डोंट यू वरी ही सैड, भाई ने कहा तुम चिंता मत करो, इट इज़ हैवी, ये बहुत भारी है, एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हो, और बड़ा भाई है उसने तो बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों का बोझ उठाया है, तो सूटकेस क्या है, जिसने पूरे घर की जिम्मेवारी का बोझ उठा लिया हो उसके लिए सूटकेस का वजन कुछ नहीं है। लेट अस क्विकन अवर स्टेप, शाम हो रखी थी, और क्या कहा कि जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें पक्का भूख लगी होगी। देखो बाबुली जो 2-3 वर्ष से आ रहा है, बड़े भाई को कभी एक चवन्नी तक दी नहीं,
पीछे वर्ड यूज लिया था उन्होंने, टोकन यानी एक सिक्का तक कभी उसने दिया नहीं, ना ही बड़े भाई ने कभी मांगा, ना जताया, ना एहसान जताया, और फिर भी उसकी चिंता कर रहा है। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, समय हो गया शाम के भोजन का। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और इतना बोलते ही बाबुली चुप हो गया, बोल रहा है मैं चुपचाप अपने भाई के पीछे चल रहा था, उससे आगे मैं कुछ बोला ही नहीं। वी रीच्ड होम, और कुछ समय बाद हम लोग, वो बाबुली कह रहा है कि हम लोग घर पहुंच गए। अब कहने का मतलब ये है कि वो पुरानी बात, उससे एक बात तो बाबुली को एक बात का तो एहसास हो गया कि उसका भाई जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब भाई जो है उसमें ना लालच है ना मोह है किसी भी चीज़ का। वो अब भी इसीलिए शायद वो बोल रहा है कि बंटवारे के समय आपको होना चाहिए था। तो ये चीज़ जो है बाबुली को अपने बड़े भाई के प्रति बहुत अच्छा बना रही है, बहुत शानदार बना रही है यही सारी चीज़ें। उससे आगे देखिए, वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा पहले से ही छा चुका था, क्योंकि शाम को तो वो चले पहुंचे थे, वहाँ अंधेरा हो गया। द टाइम ऑफ द लाइटनिंग ऑफ विक्स बिफोर द स्केयर्ड तुलसी प्लांट, देखिए द टाइम समय हो गया था फॉर द लाइटनिंग ऑफ विक। देखिए विक का अर्थ दो होता है, एक तो सीधा बाती बोले और दूसरा आप बोल सकते हैं दिया या दीपक जलाना, और दीपक कभी जलता नहीं, आपको पता है कि उसके अंदर दिए के अंदर जो बाती होती है वो जलती है दिया बाती, तो उसका समय हो गया था। बिफोर के सामने, स्केयर्ड, देखिए स्केयर्ड का अर्थ है पवित्र, सॉरी सैक्रेड बोले आप इसको, सैक्रेड, स्केयर्ड डरा हुआ होता है, ये होता है वो स्केयर्ड, ये स्केयर्ड इसका अर्थ होता है डरा हुआ, ये सैक्रेड है, सैक्रेड का अर्थ होता है पवित्र। तुलसी प्लांट कि समय हो गया था घर आंगन में जो बीच में तुलसी का पेड़ लगाते हैं उसके सामने दीपक जलाने का। अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेव्यू रश टूवर्ड्स मी, वो कह रहा है कि उन दिनों के बिल्कुल विपरीत, अनलाइक का अर्थ होता विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी कहते हैं इसको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी बिल्कुल विपरीत, नन ऑफ माई नेव्यूज, मेरे जो भतीजे हैं वो कह रहा है कि उन दिनों के विपरीत आज कोई भी भतीजा नहीं आया। रश टूवर्ड्स मी, रश टूवर्ड्स का अर्थ टूवर्ड्स मेरी तरफ, क्योंकि आगे मी लिखा है, और रश करता है तेज गति से दौड़ते हुए। सामान्यतः जब भी बाबुली आता था तो उसके भतीजे उसकी तरफ दौड़ते हुए आते थे, होलिंग जोर से या चीखते हुए हल्ला करते हुए आते थे, हेयर इज अंकल कि चाचा आ गए, लेकिन आज कोई नहीं आया। माई सिस्टर इन लॉ डिडंट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी, वो कह रहा है कि मेरी जो भाभी माँ है वो भी किचन रसोई जो है उससे बाहर नहीं निकली मुझसे मिलने के लिए, या आप कह सकते हैं मेरा स्वागत करने के लिए। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, ये आई नहीं है इट है, ये इट कर लेना आप। इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, सब कुछ बिल्कुल शांत और स्थिर था, कहीं कुछ हलचल नहीं हो रही थी, कोई आवाज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ झगड़ा हुआ है, अब बंटवारा होगा। ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी, केवल मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी हो गई। द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नो वेयर टू बी सीन, दो नंबर का भाई उनकी पत्नी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, यानी वो शायद या तो बाहर गए हैं या फिर उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर रखा है। इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, देखिए एयर ऑफ अनयूजुअलनेस का अर्थ होता है असाधारण माहौल, क्या होता है असाधारण माहौल, पूरे घर में असाधारण सा माहौल था। रेदर द स्टिलनेस ऑफ ग्रेवयार्ड, वो बोल रहा है कि आप कह सकते हैं, रेदर का अर्थ होता है अपेक्षाकृत, कैसी शांति है, स्टिलनेस का अर्थ होता है शांति या निर्जीवता, जैसे वहाँ कोई जीव नहीं है, ग्रेवडियार कब्रिस्तान जैसी निर्जीवता वहाँ थी। एज इफ मानो द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग,
वो देखकर मुझे लग रहा था जैसे घर अपने आप को तैयार कर रहा था फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स। अल्टीमेट का अर्थ होता है जी आखिरी, और कोलैप्स का अर्थ होता है ढेर हो जाना। मानो घर अपने आप को अंतिम रूप से क्या करने की तैयारी कर रहा था कि वो ढेर हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। ढेर हो जाना या विध्वंस हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया टू बी नॉर्मल विद एवरी वन, मैंने हर किसी के साथ सामान्य व्यवहार करने का प्रयास किया। बट लेकिन देयर वॉज डैट एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड। वो कह रहा है मैंने प्रयास तो किया कि सबके साथ सामान्य रहूं, लेकिन वहाँ एबोमिनेबल यानी बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, वो कह रहा है बहुत ही खराब बुरी लल, लल का अर्थ होता है जी शांति। लेकिन वो कह रहा है कि वहाँ जो शांति थी, खामोशी थी, वो एबोमिनेबल थी, यानी आप कह सकते हैं घृणा वाली, खराब या घृणा वाली, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से क्या कर रहे थे, घृणा कर रहे थे। माय सेकंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, मेरा दो नंबर का भाई और उनकी पत्नी, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, वो घर में उपस्थित होने के बावजूद शो नो इमोशन, उन्होंने कोई भी भावुकता नहीं दिखाई। इमोशन का अर्थ भावनाएं होता है, तो यहाँ भावुकता हो गई, उन्होंने कोई भावुकता नहीं दिखाई, ना ही वो मुझसे मिलने के लिए आए। दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन, पार्टीशन का अर्थ होता है बंटवारा। वो कह रहा है कि वे सब तो बंटवारे के लिए क्या हो गए थे, सेट हो गए थे। सेट का अर्थ होता है दृढ़ हो जाना, डिटरमाइन हो जाना। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और अब उन्हें अन्य किसी की भी बात की चिंता या परवाह नहीं थी, चाहे कुछ भी हो जाए उनको बंटवारा चाहिए। बंटवारे के लिए उन्होंने मन बना लिया, सेट कर लिया अपने मन को। आई कुडंट स्लीप डैट नाइट, और शनिवार की उस रात को बोल रहा है मैं नहीं सो पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह, पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली, पास्ट का अर्थ है गुजर जाना, क्वाइट ठीक ठाक, अनइवेंटफुली का अर्थ था बिना किसी घटना के, मानी अगली सुबह तो कोई बहुत बड़ी घटना हुई नहीं, ठीक ठाक है वो गुजर गई। इट वॉज मिड डे, और अब जो है दोपहर का समय था, यानी बंटवारा होगा। सेवन एंड एट पीपल हैड गैदर्ड इन अवर कोर्ट यार्ड, गैदर का अर्थ इकट्ठा होना, सेवन सात आठ लोग इकट्ठे हो गए थे कोर्ट यार्ड हमारे आंगन में, टू सुपरवाइज निरीक्षण के लिए द डिवीजन बंटवारा। और जैसा गांव में देहात में होता है कि जो चाचा ताऊ हैं, परिवार के लोग, उनको इकट्ठा किया जाता है बंटवारे के समय, उनको इकट्ठा किया गया। वी थ्री ब्रदर वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई भी वहाँ उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनी वेयर इन द विसिनिटी, माँ जो है कहीं भी, विसिनिटी का अर्थ होता है जी आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, कि कहीं आसपास नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि वो देख नहीं पाएगी जिस घर को उन्होंने खुद बनाया होगा बाबूली के पिताजी के साथ मिलकर, तो उसको खंडित होते हुए देखना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। वो एक अच्छी महिला है, तब वो ये सहन नहीं कर पाएंगी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, सेपरेशन का अर्थ होता है अलगाव, दूर हो जाना, अलग हो जाना। हम अंतिम बंटवारे का इंतजार कर रहे थे, एज इफ, मानो रेडी, हम तैयार थे टू स्लाइस आउट, स्लाइस आउट का अर्थ है टुकड़े टुकड़े करना, द फ्लैश मास, मानो हम उस मास के टुकड़े कर रहे थे, किसका, ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी। वो कर रहा है कि घर रूपी जो शरीर था, घर रूपी शरीर, उसके हम टुकड़े करने के लिए जा रहे थे। विच जिसे अवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप ने, हैड नरिश, देखिए जी नरिश का अर्थ होता है पालन पोषण करना, सिचित करना, कि जिस घर को माँ बाप ने बहुत ही नरिश किया, पालन पोषण किया, सिंस ठीक उस दिन से द डे ऑफ देयर मैरिज, कि माँ बाप का जिस दिन विवाह हुआ होगा शायद उसी दिन से इस घर को सींचना, इस घर की सार संभाल करना उन्होंने शुरू कर दी होगी, और आज हम उस घर रूपी शरीर को
काटने के लिए तैयार थे, उसके अलग अलग अंग जो हैं हम तोड़ देंगे, बंटवारे कर दिए जाएंगे, एंड और देन वी वुड रन अवे, और फिर हम भाग जाएंगे इन थ्री डिफरेंट डायरेक्शन, तीन अलग अलग दिशाओं में, क्लचिंग थामते हुए ए पीस ईच। ये जो वो कह रहा है कि जो ये घर है और इसको वो शरीर का रूप दे रहा है, तो वो कह रहा है इस घर के हम तीन टुकड़े कर देंगे। घर वो जिसको माँ बाप ने अपनी शादी के पहले दिन से सींचना शुरू किया होगा, मेहनत से बहुत ज़्यादा पसीना बहाया होगा उस घर को बनाने में, और आज हम उसके तीन टुकड़े कर देंगे। वो कह रहा है कि तीन टुकड़े करके उसको खंडित कर देंगे, और फिर एक एक टुकड़ा पकड़ेंगे और अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो बंटवारा है उसका दर्द बाबुली साफ महसूस कर रहा है, लेकिन दो नंबर का भाई इस बात पे अडिग है कि मुझे हर हाल में क्या चाहिए, बंटवारा चाहिए। इससे आगे का भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।